जोलॉजिकल नेम ऑफ काकरोच इज तो काकरोच का जोलॉजिकल नेम है पेरी प्लेनेटा एमरिकेना करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर टू आर द काम इंडियन काकरोच तो गिवन ऑप्शन में पेरी प्लेनेटा एमरिकेना और ब्लाटा ओरियंटालिस ये दो इंडियन काकरोच हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट हु गेव द नेम पेरी तो पेरी प्लेनेटा नेम सबसे पहले दिया था बर्मिस्टर ने इन 1838 थर्टी एट करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड वन सिचुएटेड बिटवीन द आइस एंड पासिंग बिलो ऑन द हेड ऑफ काकरोच इज़ कार तो काकरोच की हेड और आइस के इन बिटवीन जो प्लेट होती है उसका नाम है फ़ुरान करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड टू आउटर बार्डर ऑफ टर्गम बैंडस डाउनवर्ड इन काकरोच एंड अटैच विद तो काकरोच की जो एक्जोसकेलेटन की डॉर्सल प्लेट है उसका नाम है टर्गम और ये डाउनवर्ड बैंड होती है और अटैच होती है प्लूरा के साथ करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री और इसी तरह आपने ये भी माइंड में रखना है कि जो काकरोच का एक्जोसकेलेटन है उसकी वेंट्रल प्लेट को स्टर्नम और डॉर्सल प्लेट को टर्गम कहते हैं क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थ्री हेड ऑफ काकरोच अकॉर्डिंग टू इट्स पोजिशन इज़ नॉन एज तो पोजिशन के अकॉर्डिंग जो काकरोच का हेड है वो हाइपोग्नेथस टाइप का है करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पेरी प्लेनेटा इज तो पेरी के अंदर जो टंग लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम है हाइपोफेरिंग्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फाइव विंग्स ऑफ काकरोच आर मेनली हेल्पफुल इन तो जो काकरोच के विंग्स हैं वो बेसिकली प्रिडेटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड सिक्स द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द काकरोच लेग्स तो काकरोच लेग्स के अंदर टोटल फाइव सेगमेंट्स होते हैं फर्स्ट सेगमेंट का नाम है कॉक्सा और लास्ट सेगमेंट का नाम है टर्सस क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड सेवन सीडोपोडिया आफ अमीबा आर सिमिलर टू तो अमीबा के अंदर जो सीडोपोडिया हैं ये लोकोमोटरी आर्गनस हैं इसी तरह काकरोच की जो लेग्स है ये भी लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दैट्स वाई असोडोपीडिया आसोडोपोडिया आर सिमिलर टू लेग्स ऑफ काकरोच क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एट द मोस्ट स्वेलन सेगमेंट इन काकरोच लेग इज तो काकरोच की लेग का मोस्ट स्वेलन पोर्शन है फर्स्ट सेगमेंट uh, जिसको नाम देते हैं कॉक्सा का करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड नाइन द मेन करेक्टर फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल काकरोच इज़ तो एनल स्टाइल जो है वो मेल काकरोच के अंदर तो प्रेजेंट होता है लेकिन फीमेल काकरोच के अंदर ये एबसेंट होता है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड इन बॉडी सेगमेंट्स आर डेफिनेट एंड वेल मार्क्ड इन तो काकरोच के अंदर जो बॉडी सेगमेंट्स होती हैं वो डेफिनेट होती हैं वेल मार्क्ड होती हैं और तीन बॉडी सेगमेंट्स हैं उसमें बेसिकली जिसमें हेड uh, हैडथोरिक्स और एबडोमन हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड अलेवन गाइनोवलवुलर प्लेट्स इन फीमेल काकरोच आर मोडिफिकेशन ऑफ तो गाइनोवलवुलर प्लेट्स जो है ये कापोलेशन में इन्वॉल्व होती हैं और ये सेवन्थ सिस्टर्नम सेग प्लेट की जो मॉडिफिकेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेल्व स्टिंग ग्लैंड आर फाउंड इन तो स्टिंग ग्लैंड काक्रोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली अडोस सिक्रीशंस रिलीज करते हैं और ये मेल और फीमेल काक्रोच दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टीन काकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स हैव एक्जोसिकैलिटन मेड अप ऑफ तो काकरोच और दूसरे इंसेक्ट्स का जो एग्जोसिकेलिटन है वो काइटिन से मिलकर बना होता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फोर्टीन बाडी कैविटी ऑफ काकरोच इज़ तो काकरोच की बॉडी कैविटी को नाम देते हैं हीमोकोल का और इसके अंदर कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको नाम देते हैं हीमोलिम्फ का क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फिफ्टीन द फैट बॉडी ऑफ काकरोच कंटेन तो काकरोच की जो फैट बॉडी है उसके अंदर उनीकोसाइट्स जो के एक सिक्रेटरी सेल्स हैं और मायोसाइट्स जिसके अंदर जो है वो एक सिम्बियोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ट्रोफोसाइट्स एक स्टोरेज सेल्स हैं काकरोच की फ़ैट बॉडी के अंदर तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी फैट बॉडी कंटेन ऑल दीज थ्री सेल्स क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड सिक्सटीन ऑफ काकरोच कंटेन विच एंजाइम्स तो काकरोच का जो सलाइवा है उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड सेवन माउथ पार्ट ऑफ काकरोच आर सूटेड फॉर तो काकरोच के अंदर बाइटिंग और चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज प्रेजेंट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री दे आर सूटेड फॉर कटिंग एंड चिविंग क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड एटीन एन एनिमल विच फीड अपॉन ऑर्गेनिक मैटर डेड इंसेक्ट्स एंड ऑन कॉस्ट ऑफ क्यूटिकल मे बी तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं स्केवेंजर्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड नाइनटीन इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ काकरोच इज़ इन्वेजिनेशन ऑफ क्यूटिकल फोन तो क्यूटिकल की जो इन्वेजिनेशन है वो एलिमेंट्री कैनाल के इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट में प्रेजेंट होती है करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी मैक्मम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द काकरोच तो काकरोच के अंदर मेजेंट्रॉन के अंदर जो है वो मैक्सिमम डाइजेशन होती है और मेज़ेंट्रॉन को कॉमनली मिड गर्ट भी कहते हैं क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी वन वट इज़ कॉमन बिटवीन द ट्रैकिया ऑफ रैबिट एंड काकरोच तो अगर दोनों की बात करें तो दोनों के अंदर कार्टिलीजीनियस रिंग्स होती हैं जो कि उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं विच इज विच डज नॉट अलाउ टू कुलैब्स तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी टू नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स इन काकरोच तो काकरोच के अंदर टोटल टेन पेयर ऑफ स्पेरिकल्स प्रेजेंट होती हैं एट पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट इन एबडोम वेल टू पेयर ऑफ स्पेरिकल्स आर प्रेजेंट इन थोरिक्स रीजन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री ब्लड ऑफ काकरोच डज नॉट कंटेन हीमोगलोबन बिकॉज तो काकरोच के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबन नहीं होती why बिकॉज इट हैज़ सम अदर means टू कैरी ऑक्सीजन डायरेक्ट into the द टिश्यूज़ तो इनके अंदर organs present प्रेजेंट hain हैं जो कि एक्सचेंज uh, का काम करते हैं गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं दैट्स वाई दे हैव नो हीमोग्लोबिन इन देअर ब्लड करैक्ट आंसर है ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर टू नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट आफ काकरोच तो काकरोच के हार्ट के अंदर टोटल थर्टीन चैम्बर्स होते हैं करैक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव द हार्ट ऑफ काकरोच इज तो काकरोच का जो हार्ट है वो लांगी चूड़नल और बीडिट शेप का होता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स फिजिजिकली द हार्ट आफ इज तो काकरोच का हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक है इट्स मीन जो इसकी <coughs> कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए स्टीमुलस है वो इम्पल्स जो है वो नर्वस सिस्टम से आती है क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी सेवन मेन एक्सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ काक्रोच इज़ तो काक्रोच का जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी एट एक्सक्रेट्री आर्गन ऑफ काक्रोच आर तो काक्रोच के अंदर मालपीजन टिब्यूल एक्सिक्रेट्री आर्गन जबकि ट्रैकिया जो है वो रेस्पिरेटरी आर्गनस के तौर पर काम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी नाइन एक्टायासोन इज सिक्रेट बाई तो एक्डासोन्स जो है वो प्रोथ्रेसिक ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ये हारमोन इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग को रेगुलेट करता है एक्डाइसिस को रेगुलेट करता है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी इन काकरोच विच इज़ हेल्पफुल इन सेक्शुअल अट्रैक्शन तो सेक्शुअल अट्रैक्शन के लिए काक्रोच जो है वो फेरोमोन रिलीज करते हैं जो कि एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी वन द नेम ऑफ द सेल विच सिक्रिएट्स न्यू कार्नियल लेंस आफ्टर मोल्डिंग इन काकरोच तो मोल्डिंग के बाद काकरोच के अंदर जो न्यू कार्नियल लेंस बनता है वो कार्निया जिन सेल्स के थ्रू बनता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी टू स्ट्रक्चर यूनिट फाउंड इन कंपाउंड आई ऑफ काकरोच आर कार्ड तो काकरोच की कंपाउंड आई का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है ओमा करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी थ्री ओमा टीडिया इन द आइज ऑफ तो इंसेक्ट्स की आइज के कंपाउंड आइज का जो यूनिट है वो ओमाटीडिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पास एग्स विच हैव इन द देंटर सराउंड बाई साइटोप्लाजम आरकार तो इस तरह के एग्स को नाम देते हैं सेंट्रोलेसिथल एग्स का जो कि इंसेक्ट्स uh, में प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी फाइव ओ ओथी का एग काकरोच नंबर तो ओथी का जो है वो बेसिकली एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो कि फर्टिलाइज एग को सराउंड होती है और इसके अंदर टोटल सिक्सटीन फर्टिलाइज एग्स प्रेजेंट होते हैं इन टू ग्रुप्स ऑफ एट एट, एट फर्टिलाइज्ड एग्स क्वेश्चन नंबर टू टू हंड्रेड थर्टी सिक्स द टाइप ऑफ एग इन काकरोच इज़ कार्ड तो काकरोच के अंदर जो एग है वो सेंट्रोलेसिथल टाइप का है यानी इसमें जो शॉक होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी सेवन कॉन्गलोबेट ग्लैंड इज फाउंड इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ तो कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड जो है वो मेल काकरोच के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होता है और ये कैंगलो बैट ग्लैंड सुपरमेटोफोर की आउटर कवरिंग को बनाता है जो कि स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर है क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड थर्टी एट हाउ मैनी ओवरियोल्स आर फाउंड इन ईच एवरी नहीं बल्कि यहाँ पे ओवरी आना है ई तो की बजाय वो आएगा ओवरी ऑफ काक्रोच तो काकरोच की हर ओवरी के अंदर एट आ, ओवरियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें ओवरियोल्स का नाम देती हैं और हर ओवरियोल्स के अंदर जो है वो डिवेलपिंग ओवा की चीन प्रेजेंट होती है क्वेश्चन नंबर 239 इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ काकरोच पेरी देयर इज़ तो पेरी की जो लाइफ हिस्ट्री है इसके अंदर इनकम्प्लीट मेटमार्फोसिस प्रेजेंट होती है करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 240 हंड्रेड फोर्टी लाइफ टाइम ऑफ काकरोच इज़ इन जनरल इज तो काकरोच का जो लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्सीमेटली वन ईयर के करीब होता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फोर्टी वन लाइफ हिस्ट्री ऑफ काकरोच रिप्रेजेंट्स तो काकरोच की जो लाइफ हिस्ट्री है वो पारो पारोमेटाबोली पारो या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस को रिप्रेजेंट करती है और काकरोच की लार्वल स्टेज का नाम है निम्फ क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फोर्टी टू विच वन हैज़ नो सकेलेटन तो जेली फिश ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसकी बॉडी सॉफ्ट टू टच होती है और इसके अंदर कोई बोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती दैट्स वाई इट हैज़ नो सकेलेटन जबकि बटरफ्लाई मॉस्कीटो और काकरोच इन तीनों के अंदर एक्जो सकेलेटन प्रेजेंट होता है क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन फेरिटीमा पोस्तोमा प्ले रोल ऑफ लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स तो फेरिटीमा पस्थोमा या आर्थवम के अंदर जो क्लोरागोगन सेल्स हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज विद लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स क्वेश्चन नंबर टू हंड्रेड फोर्टी फोर द काकरोच ऑफ जीनस ब्लेटा इज आल्सो कार्ड तो जीनस ब्लेटा के जो काकरोच हैं उनको ओरिएंटल काकरोच का नाम दिया जाता है ब्लेटा ओरिएटालस करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेल काकरोच एंड फीमेल काकरोच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई तो मेल और फीमेल काकरोच को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एनल स्टाइल जो कि के मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फीमेल के अंदर एबसेंट होते हैं